अमेरिका के बाद अब श्रीलंका में 73 भारतीय छात्र गिरफ्तार, वीजा नियम तोड़ने का आरोप। अमेरिका के बाद अब श्रीलंका में भी वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 73 भारतीय छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को भारतीय मूल के 73 लोगों को मातुगामा की एक फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया। वे वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वहां रह रहे थे। पिछले महीने इंगीरिया की फैक्ट्री में काम करने वाले 24 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। वे भी वीजा अवधि के बाद रुके हुए थे। गिरफ्तार किए गए भारतीयों को मेरियाना में स्थित आव्रजन हिरासत केंद्र भेजा गया है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गिरफ्तार लोगों को भारत भेजा जाएगा। बता दें कि इसके पहले अमेरिकी अधिकारियों ने कथित रूप से देश में बने रहने के लिए एक फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के सिलसिले में 130 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया है। इमिग्रेशन एंड कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बुधवार को यह गिरफ्तारियां की हैं। भारतीय छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर फिक्र जताते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को शनिवार को डिमांड जारी किया। इसके अलावा भारत ने पकड़े गए छात्रों तक राजनयिक पहुंच की मांग भी की है।